video regarding the issue. Microsoft Excel is waiting for another application to complete an OLE action. तो ये problem मुझे आया और मैंने इसके solution भी YouTube के अंदर देखे. तो जो solution मुझे YouTube पे मिले उससे मेरा problem solve नहीं हुआ. इस वजह से जो मुझे solution मिला उसके ऊपर मैंने एक बहुत short video बना रहा हूँ. और जो solution था वो मुझे ये मिला है कि इसमें simplify जो ये कह रहा है कि another application से conflict कर रहा है, तो इसमें सीधे अपनों को एप्लीकेशन विज में जाइए प्रोग्राम के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट से ही रिलेटेड या एप्लीकेशंस को जो उसकी कंसर्न्स एप्लीकेशन होती है, प्लगइन्स होते हैं, उनको आप वन बाय वन रिमूव करके चेक करिए. हर प्लगइन को, किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव करने के बाद आपको एक बार उसको रिस्टार्ट करना होगा. इस बात का ध्यान रखें. जैसे मुझे जो प्रॉब्लम आई थी तो उसमें मुझे सॉल्यूशन ही मिला कि माइक्रोसॉफ्ट एजूरे का एक प्लगइन मेरे सिस्टम में था, उस प्लगइन को मैं अनइंस्टॉल कर दिया. वो किसी और सिस्टम में प्रॉब्लम आया था, इसमें नहीं है, तो उसमें देखने को नहीं मिलेगा. तो उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को अनइंस्टॉल करके देखा, नहीं हुआ. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को देखा, नहीं हुआ. लेकिन एजूरे के प्लगइन को अनइंस्टॉल करके देखा तो मेरा काम हो गया था. इसी तरीके से और भी कोई प्लगइन्स हो सकते हैं जो इसकी वजह बन सकते हैं. तो आप ज़्यादा और जो उन्होंने सेटिंग बताई है डीडी को इनेबल डिसेबल करने की, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मेरा जो सॉल्यूशन नहीं हुआ. हो सकता है कि किसी केस में वहाँ से वो सॉल्यूशन मिल जाए जो यूट्यूब के अंदर है कि डायनस को डिसेबल करना या फिर जो है जो डीडीई जो है एक सेटिंग होती है जो एक्सेल में एडवांस में जाने के बाद जनरल टैब में, उसको अनचेक करना या चेक लगाना. तो दिस इज़ अनदर सॉल्यूशन टू रिलेटेड अनदर प्रॉब्लम. लेकिन मुझे सॉल्यूशन मिला, मैंने आपके साथ शेयर किया. थैंक यू.